सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पर ऐसा है कि कोई भी 12 बजे के बाद कोई एस्टेब्लिशमेंट होटल्स ओपन नहीं रहना, बल्कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है सीपी साहब के। इस लिहाज से हम डेली पेट्रोलिंग अरेंज कर रहे हैं। इसी प्रोसेस में मैं कल पेट्रोलिंग करा सीट अपने साउथ वेस्ट जोन में, और बहुत से होटल और ओपन हो रहे हैं, बल्कि मैं इंफॉर्मेशन आने से वो पेट्रोलिंग करने से मेरी पेट्रोलिंग में मेरे नजर में रियान होटल हुमायूं नगर पीएस लिमिट्स में, और इंटरनेशनल जूस आसिफ नगर पीएस लिमिट्स में, मदीना मिल्क पॉइंट हबीब नगर पीएस लिमिट्स में, और अल जजीरा मंदी हबीब नगर पीएस लिमिट में, रूबी पान शॉप गुडीमलकापुर पीएस लिमिट में, और शवरमा लबैक शवरमा बल्कि हुमायूं नगर पीएस में। ये लोग 1 o'clock को भी अपना 1:30 को बिजनेस चला रहे थे। उन पर पुलिस स्टेशन को लेकर आके केस रजिस्टर किया गया है, और ये एक मुसम्मम इरादे से हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ये जो लोगों पर केस लगाने के बाद सिर्फ वर्कर्स पे नहीं, बल्कि उन पे अब ओनर्स पे भी हम उनके पर केस लगाएंगे, और ओनर्स पे लगाने के बाद ओनर्स को हम फिर एक बैंड ओवर केस भी लगाएंगे। बैंड ओवर में हम ओनर्स को 1 लाख या 2 लाख ह्यूज अमाउंट में हम बैंड ओवर कराएंगे। बैंड ओवर कराने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो लेट नाइट ऑफेंस में वो एस्टेब्लिशमेंट अपन को होटल या मिला, तो कंपलसरी उन 1 लाख या 2 लाख जो बैंड ओवर अमाउंट है वो भरना पड़ता। अगर नहीं भरा तो जेल को जाना पड़ता। और नेक्स्ट टाइम जो मिला है ये तो फर्स्ट टाइम के लिए बैंड ओवर है, वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम बैंड ओवर करते। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस करके इसको किसी हाल में हम ये एस्टेब्लिशमेंट ये होटल्स को विद इन टाइम लिमिट बंद कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे जो होटल वाले ओनर्स हैं उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेसमैन की हैसियत से, एक इज्जत के शहरी की हैसियत से आप टाइम लिमिट में बिजनेस कीजिए, वरना ये ऐसा ये चोरों की तरह भागना, डोर्स बंद करना, पीछे के डोर से चलाना, ये उसकी करने की क्या जरूरत है। आप टाइम लिमिट में जो कमा सकते हो वो कमा लीजिए, वो चोरों के ऐसा कमा के करके अपनी इज्जत गंवा के कमाने में उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं होटल ओनर्स और दूसरे स्टाफ से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि कानून के दायरे में रह के आप बिजनेस कीजिए, और इज्जत से जीना चाहिए, वरना ये चोरों की तरह करने से इज्जत भी नहीं रहती, और पैसा बगैर इज्जत के पैसा कमाने का भी बेकार है वो। बल्कि मैं अपने इस्टेब्लिशमेंट के ओनर से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये जनरली फोन तो आते हैं, लेकिन हमारे सीपी साहब इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि वैसा उस पर कोई इन्फ्लुएंस करे तो भी मेरे को बोलो, अगर वैसा कितना ये है तो मैं आता हूँ, इस पार्ट पे भी आता हूँ, बल्कि बोले सपोर्ट कर रहे। और आपके जरिए मैं अपने इन्फ्लुएंस करने वाले जैसे पॉलिटिकल लीडर्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में एक समाज को सुधारने के लिए जो पुलिस इस काम कर रही है उसमें आप आड़े ना आए, और पुलिस को अपना काम करने दें। इसमें हम किसी शहरी को जो कानून के दायरे में रह के काम कर रहा हम उसको केस नहीं लगा रहे, जो कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा हम उन्हीं को केस लगा रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को आप प्लीज आप सपोर्ट ना करें और इसमें इन्वॉल्व ना हुए, मैं मेरी गुजारिश है आपसे। अभी तक मैं तो कल एक 6 केसेस बुक करा, ये कंटिन्यू तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये बैंड ओवर का जो है ना हम नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं। बैंड ओवर करके उन लोगों को फिर वो बैंड ओवर बांड फोरफिट करके उनको जुर्माना भरने का एक नई स्कीम शुरू कर रहे, जिसके वजह से उन लोगों को जरा आप उसका असर होगा बल्कि हम उम्मीद कर रहे। और ये उम्मीद ऐसा मेरी ये जो बात बोल रहा हूँ उन लोगों को ये स्टेटमेंट पर असर होना चाहिए। एक इज्जत से बिजनेस कीजिए और पैसे कमाइए, जो चोरों की तरह करके मत कीजिए, उससे जीना इज्जत से जीना, इज्जत से कमाना, बल्कि मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ स्टेब्लिशमेंट। नहीं, मैनेजर्स के ऊपर भी करे, ओनर्स के ऊपर भी करे। अच्छा, अच्छा तो रात भर रहते मंदी के होटल है अमृता पुल के, उसके सामने क्या पूछे, पूरा फुल पंप है, अच्छा
मल्लेपल्ली पे। हाँ मैं अच्छा अलजीरा के ऊपर कल रात में केस लगाया ना, और जो कंप्लेंट करा उसको कॉल जाता नेक्स्ट डे, अरे कहीं कर रहे बोल के पुलिस डिपार्टमेंट से। अच्छा वो अब आइंदा से उसको इन्फ्लुएंस को नहीं करेंगे, थोड़े लोग साथ साथ दरवाजे लगा के भी बैकडोर लगा के कर रहे हैं वैसा होटल से। जो सिटीजन कॉमन सिटीजन या बाजू वाला जो तकलीफ झेल रहा वो पुलिस को कंप्लेंट करे तो पुलिस वाले होटल वाले कॉमन सिटीजन का नंबर दे देने के यू कंप्लेंट करा बोल। नहीं नहीं ये गलत है, आप मैं आपसे वादा करता हूँ, आवाम से भी वादा करता हूँ कि आप कुछ ऐसा कहीं भी ऐसा इलीगल बियॉन्ड द टाइम लिमिट कुछ बिजनेस चल रहा तो मेरे को इन्फॉर्म कीजिए, मैं आप लोगों के नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। और जहाँ जहाँ भी चलते मैं भी इन्फॉर्मेशन, अब जैसे हमारे बोले ऐसा जो एक दो चीज बोले वो हमारी नॉलेज में नहीं है, आइंदा उसको भी हम टारगेट लगा के वहाँ पे भी केस लगाएंगे। सिस्टम को बंद करने के लिए ही वैसे अगर रहे तो अब हमारे सीपी साहब भी एक दो महीने का टाइम दिए एसएचओ को बुला के मीटिंग लगाए, आने के बाद ये सब सेट करने के लिए मैं अभी सडन तो नहीं होता, मैं दो महीने का टाइम दे रहा हूँ, अगर दो महीने में अगर नहीं करे तो सीपी साहब भी इसको एसएचओ पे एक्शन लेने का इरादा है उनका, और हम सीनियर ऑफिसर्स भी हम वक्तन वक्त। क्वालिटी के बेहतरीन बच्चों के खिलौने, घर की सजावट के आइटम्स, किचन वेयर, होम अप्लायंसेस और फैशन के मतवालों के लिए बेहतरीन कॉस्मेटिक्स यानी कि ऑल अंडर वन रूफ ओनली 99 रुपीस में, बड़े से बड़ा सामान ओनली 99, शानदार क्वालिटी इम्पोर्टेड वैरायटी ओनली 99, तो देर किस बात की, एक बार अंदर तो आइए, आपका शोरूम आपका भरोसा, हर सामान 99 रुपीस में, एक बार सिर्फ एक बार तशरीफ लाइए, बार बार चले आइए, खुद खरीदिए, दोस्त अहबाब को रिश्तेदारों को तोहफतन दीजिएगा। AS 99 वॉल्ट नियर मस्जिद हाफिज डंका मुगलपुरा हैदराबाद।